हाँ चलो चलो, ऑन हो गया है कैमरा, चलो हम चलो। तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनो इसी बात का जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी पहला। बड़ा जोर से बोलो। दूसरा है मसाज, मसाज के साथ में है, उसका परसेंटेज जो है 5% बढ़ जाएगा। ओके कैसे करते हैं? फिर अब आता है शेविंग, शेविंग में आ गया तो 50%। फिर दूसरा है लॉन्ग लॉन्ग हेयर शॉर्ट। हेलो, लॉन्ग हेयर कट का जो रहेगा वो 60-70%। हाँ बैंक कर रहा, बहुत बड़ा डॉग है अब तो छोटा डॉग है, इस टाइम सेंसिटिव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम देख के बताओ। अगर एक डॉग मान लो कि आधा घंटा 40 मिनट में शेव हो रहा है तो शुरू में रहता हूँ उसके साथ परसेंटेज है 60%। जैसे कि आपको ये कह रहा है कि 70% 70% जो है आपको दे रहा है, लेकिन स्किल्स के हिसाब से काम के वहाँ पर जो देखना काम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लॉन्ग हेयर है काम ज़्यादा है और जो मॉर्निंग करना है उस समस्या के साथ ही, लेकिन जहाँ पर एक छोटा सा 6 महीने 8 महीने खुलता है नॉर्मल, उसके बाद में नॉर्मल बात करना है तो वहाँ पर कम होगा। मतलब अगर काम ज़्यादा है तो परसेंटेज ज़्यादा होने पहले ये क्लियर। सर सर बोले क्लियर, कोई डाउट है? अरे लेकिन पहले हर काम पे परसेंटेज चेंज होगा। अभी चल रहा है ये बताया गया है कि जिसका जो चल रहा है वो चल रहा है, ये सबके लिए है जो न्यू कमर जो आने वाले हैं कभी भी क्या कर सकते हैं। इसमें लिखा है तो अभी आप बोलेंगे इसमें साइन करो तो साइन कर दिया हो करेगा ना, ये अरे लाया किससे आप? ये पुलिस साइन अभी कर रहे हो क्या? अरे भाई ये पूछ रहे थे अभी तो मैं पूछ समझाने के लिए लाया गया, तुमको दिया नहीं करना। ये एक चीज़ लाया गया है, ये बुक है, एक किताब में सब लोग पढ़ रहे हैं, अगर तुमको दिया जाएगा तो मतलब ये आगे जाकर होएगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ आगे जाके हाँ भाई जैसे अभी तुम्हारा परसेंटेज 60% तुमको सत्कार के लिए मिल रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो पिछला मीटिंग हुआ था उसका कहना ये है कि भाई तुमको 70% दिया बराबर, वो दिखा लो, वो चुकाने की जरूरत नहीं, वो दिखाने लायक हो नहीं दिखा दिया। 70% मिलेगा, लेकिन ये 70% कैसे मिलेगा ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्चुअल ऐसा बड़े बाल वाले जो भी डॉक्टर हैं, ठीक है, उनका हेयर कट करने जा रहे हो और नाला ना फुल ग्रूमिंग हो गया या फिर हेयर कट भी उसमें इंक्लूड होगा, अगर खाली हेयर कट के लिए कोई बुला रहा है, ठीक है। नॉट्स निकालना है, इस्पा देना है, वो भी कैटेगरी रहते हैं। सिंपल बात, सिंपल खाली नहलाने का, ठीक है, एक आध नॉट है वो ब्रश करते टाइम निकल जाता, सिंपल बात का तुम्हारा 60% ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कृष्णा के पास जाते हो, कर्नल के पास जाते हो, ये लोग का हर वीक सिंपल बात करना रहता है, कोई बिगर के लिए बुला लिया, नाखून काटना है, नाला देना है, हाथ साफ करना है, उसका 60% ही रहेगा, ठीक है। टकला मारना है 60% ही रहेगा। स्टाइलिश बाल काटने का, स्टाइलिश ग्रूमिंग करने का, नॉट्स निकालने का है, ठीक है, कंप्लीट स्पा है, ये सब जो कैटेगरी है उस पर 70% किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो एडवांस स्किल है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया, इसके बाद अभी हमने बोला सिद्धू का सिद्धू के लिए भेजा, अपना सब बाल हो गया जिसके प्रॉब्लम है, भूख लगा पहले नहीं सिद्धू का, देखो फेस का बाल तो छोड़ दे हो ना, चल
चल रहा है, कानून में अभी तो लागू नहीं हुआ। इसमें खाली चेंजेस परसेंटेज में लागू है और जो तुम्हारा 70% बोले थे उस पर लागू है, बाकी सब चीज़ चल ही रहा है। अभी हमारा भी मिल रहा है तो बताया ना कि 70% कैसे मिलेगा। नहीं तो उसमें अगर उसमें अग्री नहीं होते हो इधर तो उसमें सिचुएशन थोड़ा बदल जाएगा। अगर तुमको बोलते हो कि नहीं मेरे को 70% ही चाहिए तो जो हम प्रायोरिटी देते हैं ना, प्रायोरिटी मतलब हिंदी में प्राथमिकता, जो भाई ये सबको एक साथ लेके चलेंगे ठीक है। जो मान लो मैं तुमको कोई भी चलो 60% दे रहा हूँ तो अभी जैसे काम मिल रहा है मेरे जो बंदा अवेलेबल है उसको दे दे रहा ठीक है। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मेरे को सारे काम का 70% चाहिए तो जहाँ पे मेरे को टकला करने का है, सिंपल बात देने का है, तो मैं ये बंदे को भेज दूंगा ना भाई, देती है ना ठीक है। 70% वाला जो काम आएगा वो तुमको दिया जाएगा ना भाई, अभी हाँ 70% वाला जो काम है वो तुमको दे दिया जाएगा। अभी कोई काम आया है टकला मारना, रेट को बाल काटना है तो बोलेंगे तुझा बाल काटने हम ना काम क्यों। तो वही चीज है, ये दोनों में से दो सिचुएशन है ठीक है ना। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए मैं क्या किया कि चलो भाई दो काम तो कम से कम है मंडे को यहाँ पे वाशी में मिल जाएगा। तो अभी चलाने वाला ज़्यादा काम इन्हीं लोग करेगा ना भाई, हमको भेजेंगे बाल काटना है क्या भाई, क्या एग्रेसिव है थोड़ा मेंटेन करके अच्छे से करना है, थोड़ा इन लोग भेजेंगे इधर नहीं कर पाएगा, पर हमको कहा भेजेंगे वही तो सीनियर हो स्किल है तुम्हारे क्या भाई, वो सब जगह भेजेंगे ना या किसी भी को थोड़ा तुम जाकर संभाल लो काम इसलिए तुमको बढ़ा के दिया जाए। वही मान रहा हूँ इसी चीज़ के तुमको भी समझ में आ गया, ताकि एक बार और समझा दिए मोबाइल निकालो डिसेंट रेस्टोरेंट का फोन भी जो है डिसेंट महंगा पड़ जाएगा इसको, फिर वही काम मिलेगा आदमी इसके अंदर ये काम बैठने का जगह नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा आ रहा है कितना आ रहा है ठीक है। ठीक है भाई ये एग्री कर लिया कि भाई वही काम ठीक है बाकी जो तुमको 90% 95% तक समझाया था वो तो समझ गए ना, कंपनी में कस्टमर ना रहो वो आप बोले हैं हम समझ किया है, मैं ये भी बोला हूँ जब वो लागू होगा जब इस्तेमाल करने लगूंगा कुछ प्रॉब्लम आएगा बताऊंगा। लेकिन बताया कस्टमर लाने का है भाई, देखो इधर मैं तुम्हारे स्किल बता रहा हूँ पहले काम नहीं लाए, पहले भी काम लाए हो लेकिन लॉकडाउन से आने के बाद कंपनी का हो जाएगा कंपनी का शोरूम का
जैसे कि बनने के बाद सोच के मेरा ऊपर ले लिया, अभी कोई दस हज़ार फाइन पाँच हज़ार मिलेगा, पाँच हज़ार मेरे को भरना पड़ेगा। ये समझ के तुम आपको ढको दे दिए, कस्टमर से बात करो, कस्टमर अब कुछ समझो, फिर आपने क्या हो गया। किसी को कुछ बोलने का है कैमरे के सामने तो आके बोल सकता है। हाँ लोग, ये जो एग्रीमेंट, ये अगर आप देंगे ना उसको तो विचार करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार ही आधी भेज दिया जाएगा सारा कुछ। क्या बात करते हैं भाई, अरे बहुत अच्छी बात कहे हो, इसमें मैं क्या बोला, मैं बहुत अच्छा बात बोल रहा हूँ कि ये पढ़ दिया जाएगा, मैं पढ़ूंगा समझूंगा तब साइन करूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं बार नहीं, वाह भाई वाह, ये मैं कह रहा हूँ जी भैया, सुनो पहले बात ओके, वाह भाई वाह, ये बहुत अच्छा, मतलब तुम बुद्धिमान होते ऐसे ही बात करते, वाह पढ़े लूंगा पढ़ूंगा। 95% बोला है, मैं क्या बोला, जो आप बताया बहुत अच्छा लगा सुन के, उसको अगर जब अमाउंट करूँगा तब मालूम पड़ेगा क्या है। वही तुम बोले उसकी बिना आप बोला है अच्छा लगा, ठीक है जब वो लागू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा तभी दिखा जाएगा, लागू हो चुका है वो बात है। हो गया, अपना अपना सब नाम बता दो, कौन कौन जालिम इंसान है इधर। नहीं सबसे पहले तो बता दिए थे ना, ये हो गया मिश्रा जी, मिश्रा नाम बताओ। राजवाल सूरज अवेलेबल नहीं है, सूरज को पूरा वीडियो दिखाना पड़ेगा। बेवफा सनम मैं भी हूँ, आ रहा हूँ। देखो सर इधरेश, अरे वो गुंडी सहीदा करो, अरे तेरी, अरे बंद करो, अरे हाँ अब आया, हेलो हाँ आ गया।